हेलो एवरीवन, हाफ गर्लफ्रेंड पार्ट 14 शुरू करते हैं गाइस। देखिए, अब लिखा है कि 1 year and 3 months लेटर, अब 1 साल और 3 महीने बीत चुके हैं, उसके बाद क्या हुआ देखते हैं। सो टेल अस व्हाई यू आर हेयर, सेड अ 30-year-old मैन, 31 साल के व्यक्ति ने कहा। तो ठीक है, हमें बताओ कि तुम यहां पर क्यों हो। ही वोर अ रेड टाई एंड अ क्रिस्प व्हाइट शर्ट। ही वोर का मतलब है कि उसने पहना हुआ था, स्पोकन इंग्लिश में बोलेंगे तो ही वॉज वेयरिंग कहते हैं, बट यहां पर सेकेंड फॉर्म लगा है कि उसने पहना हुआ था, रेड टाई था और एक क्रिस्प व्हाइट शर्ट, सफेद रंग की कमीज थी जो कि बिल्कुल क्रिस्प का मतलब उसमें कहीं कोई सिल्वर्ट क्रीज कुछ ऐसा सिकुड़न भी नहीं था, एकदम क्रिस्प क्लियर फ्रेश था वो शर्ट। आई वॉज एट HSBC's प्लेसमेंट इंटरव्यू। अब लड़का कह रहा है, माधव कह रहा है कि मैं HSBC के प्लेसमेंट इंटरव्यू के लोकेशन पर था, फेसिंग अ पैनल ऑफ 3 bankers, जहां पर मैं 3 bankers के पैनल को फेस कर रहा था। 3 bankers आए हुए थे जो कि इंटरव्यू ले रहे थे। ईच वोर अ पेंड एंड बोर्ड एक्सप्रेशन। अब वहां 3 लोग थे बट तीनों के चेहरे पर जो एक्सप्रेशन था, यहां पर वोर का मतलब एक एक्सप्रेशन उन्होंने पहना हुआ था यानी कि धारण किया हुआ था, तो एक पेंट, पेंट का मतलब है कि परेशान हो, एकदम दुखी दर्द वाला एक्सप्रेशन था, बोर हो चुके हो, ऐसे एक्सप्रेशन तीनों के चेहरे पर थे। दे हैड हर्ड ओवर 40 स्टेफिनियंस, अच्छा स्टेफिनियंस यानी कि जो सेंट स्टेफन कॉलेज के जितने भी लोग थे, तो 40 से ज़्यादा लोगों को उन्होंने सुना था टॉक नॉनसेंस, फालतू बात करते हुए, मतलब इंटरव्यू में किसी ने सही से जवाब नहीं दिया, अबाउट देयर ग्रेटनेस, अपने ग्रेटनेस के बारे में बहुत कुछ ज़्यादा वो बोल रहे थे, हम ये हैं सर, हम वो हैं। तो इससे वो लोग परेशान हो चुके थे, वो तीनों जो इंटरव्यू लेने वाले लोग थे वो पेंड थे, बोर्ड थे ऐसे। ईच कैंडिडेट हैड सॉल्वड ऑल द प्रॉब्लम्स इंडिया फेस्ड। जितने भी कैंडिडेट्स वहाँ पर आए थे सब ने सॉल्व कर दिया था कि इंडिया ने जो भी प्रॉब्लम फेस किया है, सबको वो लोग ऐसे फटाफट सॉल्व करते थे इंटरव्यू में जो जवाब दे रहे थे, कि ईच कैंडिडेट हैड सॉल्वड ऑल द प्रॉब्लम्स इंडिया फेस्ड। इंडिया ने जितनी भी समस्याएं फेस की होंगी सबका उन्होंने इंटरव्यू में ऐसे जवाब दिया कि वाह वाह, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे ऐसे। रीडिजाइन द बैंक्स स्ट्रैटेजी, बैंक की स्ट्रैटेजी के बारे में जब सवाल पूछा गया तो रीडिजाइन भी कर दिया। एंड प्रॉमिस्ड टू वर्क हार्डर देन अपार्थीड एरा स्लेव्स, और ये भी प्रॉमिस कर दिया कि भैया हम इतना हार्डवर्क करेंगे कि उन स्लेव से भी ज़्यादा हार्डवर्क करेंगे। स्लेव का मतलब क्या होता है, जो गुलाम होते हैं। अपार्थीड एरा का मतलब क्या होता है, एक ज़माना था खासकर, आई थिंक बहुत पहले की बात है, साउथ अफ्रीका था कौन सी जगह थी, हाँ ऐसी, जहाँ पर गोरे और काले में बहुत भेद होता था, यू नो कि ये गोरा है ये काला है ऐसे। तो अपार्थीड एरा का मतलब है कि जहाँ पर रंग रूप और जाति में बहुत ज़्यादा भेद हो, तो जो काले हैं वो थोड़ा कम, उनको गुलाम बनाया जाता था, ये कुछ आप पढ़ेंगे तो पता चलेगा। तो उस एरा, उस काल में जो गुलाम थे, तो वो जो गुलाम हार्डवर्क करते थे उनसे भी ज़्यादा हार्डवर्क करने का प्रॉमिस किया, ठीक है इंटरव्यू में। व्हाई डू कंपनीज बॉदर विद सच इंटरव्यूज, अब ये सवाल कह रहा है कि कंपनी क्यों परेशान होती है और क्यों परेशान करती है इस तरह के इंटरव्यू से, क्या मतलब है ये सब पूछने से। परहैप्स इट मेक्स देम फील बेटर टू टॉक अबाउट द प्रॉब्लम्स ऑफ द वर्ल्ड, हो सकता है कि उनको शायद अच्छा लगता होगा, इट मेक्स फील बेटर, ताकि वो जो संसार में जो समस्याएं चल रही उसके बारे में बात करते। क्यों बात करते, सीधा बताओ ना, हमें काम क्या करना है, ऑफिस में जो काम करना है उसके बारे में पूछो, दुनिया भर की ये और वो पूछते हो। इवन दो द एक्चुअल जॉब इन्वॉल्व्स सिटिंग एट अ डेस्क, अब कह रहा है कि जो रियल में जो जॉब होता है वो क्या होता है कि आप एक डेस्क पे बैठे हो एंड पंचिंग फार्मूलाज इन टू स्प्रेडशीट, और जो भी आपका जो एक्सेल शीट है, जो भी स्प्रेडशीट होगा उसमें आप फार्मूला पंच कर रहे होते हो, ये जॉब है। लेकिन आपसे सवाल पूछा जाता है कि बताइए ये हो जाएगा तो क्या करेंगे, बैंक के बारे में, सोसाइटी के बारे में, तो वहीं पर कह रहा है कि क्या फ़ायदा है यार। आई हैड नो आंसर फॉर माई पैनल, मेरे पास पैनल के सवालों का कोई जवाब नहीं था। I didn't know why I had applied to them. मुझे ये भी पता नहीं था कि मैंने क्यों वहाँ अप्लाई किया था, और फॉर एनी जॉब एट ऑल, या मैंने किसी जॉब के लिए अप्लाई किया था। आई hated Delhi. मैं दिल्ली से बहुत ज़्यादा नफरत करता था। आई फ्लैश बैक्ड टू माई कॉलेज लाइफ, मैं बिल्कुल अपने कॉलेज लाइफ में चला गया। फ्लैश बैक का मतलब उन दिनों मेमोरी में मैं चला गया। येस आई हैड लव्ड इट वेन आई हैड फर्स्ट ज्वाइंट कॉलेज, दिल्ली से मैं पहले बहुत प्यार करता था जब मैंने पहली बार कॉलेज को ज्वाइन किया था।
द फर्स्ट ईयर हैड गॉन बाई सो क्विकली, गॉन बाई मतलब बीत गया, जो फर्स्ट ईयर था, जो पहला साल था, वो बहुत ही क्विकली, बहुत ही जल्दी से बीत गया। इट हैड फेल्ट लाइक अ वकेशन, ऐसा लगा कि ये बिल्कुल वकेशन जैसा हो, छुट्टियों जैसा हो। द सेकेंड ईयर वॉज पेनफुल, लेकिन जो सेकेंड ईयर था वो थोड़ा सा दर्द भरा था, विद रिया ब्रेकिंग अप विद मी, क्योंकि रिया ने मेरे साथ ब्रेकअप कर लिया था। अब इस तरह के जो वाक्य ना, कि विद रिया ब्रेकिंग अप विद मी, प्रेपोजिशनल फ्रेजेस होते हैं, यू नो, कि वो दर्द भरा था रिया का मेरे साथ ब्रेकअप करने के साथ, ऐसे इसकी हिंदी आप समझेंगे तो आप अच्छा नहीं लगेगा। तो इसलिए कहा जाता है कि जब रिया ने ब्रेकअप मेरे साथ किया तो जो सेकेंड ईयर था वो बहुत ही पेनफुल था, दर्द भरा था। लेट मी ड्रिंक सम वाटर। ओके फाइन। हाउएवर, फिर भी शी वॉज एटलीस्ट अराउंड, एटलीस्ट होना चाहिए, एट लास्ट लिखा हुआ, शी वॉज एटलीस्ट अराउंड। हालांकि ब्रेकअप भी कर लिया, बट कहीं ना कहीं मेरे चारों तरफ वो थी। आई कुड स्टील अ ग्लैंस एट एवरी एट हर एवरी नाउ एंड देन। एवरी नाउ एंड देन का मतलब है कि जब मर्जी तब मैं कहीं कभी ना कभी उसकी एक झलक पा ही लेता था। आई कुड स्टील, मैं एक एक झलक पाने के काबिल था, पा सकता था, एट एवरी नाउ एंड देन, कभी भी। बी रिजेक्टेड एवरी कपल ऑफ मंथ्स, ओके, एंड स्टिल रिमेंबर द गुड टाइम्स। देखिए, बी रिजेक्टेड यानी कि रिजेक्ट हो जाना या हो जाओ, रिजेक्ट हो जाओ एवरी कपल ऑफ मंथ्स, यानी कि हर दूसरे तीसरे महीने रिजेक्ट हो जाओ, एंड स्टिल रिमेंबर द गुड टाइम्स, और अभी भी अच्छे वक्त को याद रखो। यहां पर अफसानों को कह रहा है कि रिजेक्ट हो जाओ हर दूसरे तीसरे महीने, लेकिन अच्छे मोमेंट को याद रखो। कुछ ऐसा पता नहीं मैसेज सा दे रहा है। आई हैड समथिंग देन दैट कीप्स पीपल गोइंग ड्यूरिंग द वर्स्ट टाइम्स। अच्छा, वही कह रहा है कि रिजेक्ट हो जाओ लेकिन अच्छे मेमोरी को याद रखो। यहाँ कह रहा है कि आई हैड समथिंग देन, उस वक्त मेरे पास कुछ ऐसा था दैट, जो कि कीप्स पीपल गोइंग, जो लोगों को एकदम काम कराते रहता है ड्यूरिंग द वर्स्ट टाइम। जब कोई खराब समय आता है तो वो जो पुरानी चीजें होती है वो आपको कहीं ना कहीं मूव करा रहा होता है, होप, ऐसी उम्मीद है। आई ड्रीम्ड रिया वुड कम अराउंड वन डे, मैंने हमेशा यही सपना देखा कि एक दिन रिया वापस आएगी, वुड कम अराउंड, कभी ना कभी वो मेरे सामने आ जाएगी। कम अराउंड वन डे शी वुड रियलाइज आई वॉज हर परफेक्ट पार्टनर, वो ऐसा महसूस करेगी कि मैं ही उसका सबसे बेस्ट पार्टनर था, परफेक्ट पार्टनर था, इन टर्म्स ऑफ हाइट, चाहे हाइट की बात करो। इन टर्म्स ऑफ का मतलब है कि उसके मुताबिक, हाइट के मुताबिक देखो तो मैं परफेक्ट था, बास्केटबॉल के हिसाब से देखो तो मैं परफेक्ट था, मेंटल कनेक्ट के हिसाब से देखो तो मैं परफेक्ट था। हाउ आवर्स फेल्ट लाइक मिनट्स वेन वी वर टुगेदर, किस तरीके से, हाउ, किस तरीके से जो घंटे थे फेल्ट लाइक मिनट्स, वो मिनट्स की तरह महसूस होते थे वेन वी वर टुगेदर, जब हम साथ होते थे। एंड हाउ लिटिल वी केयर्ड अबाउट द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, और बिल्कुल हम जो दुनिया के बारे में एकदम कुछ भी केयर नहीं करते थे। हाउ लिटिल, लिटिल का मतलब है ना के बराबर, लिटिल अ लिटिल द लिटिल, लिटिल मतलब ना के बराबर, अ लिटिल का मतलब थोड़ा सा ज़्यादा। तो बिल्कुल हम दुनिया के बारे में बिल्कुल फ़र्क नहीं करते थे, मतलब केयर नहीं करते थे, परवाह नहीं करते थे। शी नेवर डिड, उसने कभी नहीं किया ऐसा। शी स्लैप्ड अ वेडिंग कार्ड ऑन मी एंड लेफ्ट, ओके, उसने एक अपनी शादी का कार्ड मेरे मुंह पे मारा और चली गई। माई बिहारी गैंग हैड मेड मी स्वेयर ऑन माई मदर आई वुड नेवर कॉन्टैक्ट हर अगेन। मेरे बिहार के जो गैंग थे, जो मेरे पार्टनर्स थे उस कॉलेज में, उस हॉस्टल में, उन्होंने मुझे मेरी माँ की कसम दिलाई। दे मेड मी स्वेयर, मेड मी यहाँ पर पॉजिटिव है, जैसे कि मैं आपको हंसाऊंगा, आई विल मेक यू लाफ, मैंने आपको हंसाया, आई मेड यू लाफ, उसी तरीके से उस गैंग ने मेड मी स्वेयर, मुझे कसम दिला दी ऑन माई मदर, स्वेयर ऑन होता है ना, तो स्वेयर ऑन माई मदर, मुझे मेरी माँ की कसम दिला दी आई वुड नेवर कॉन्टैक्ट हर अगेन, मैं कि कभी भी उससे दोबारा कॉन्टैक्ट नहीं करूँगा। आई डिडेंट, मैंने नहीं किया। शी क्विट कॉलेज इन अ कपल ऑफ वीक्स, एक दो हफ्ते में वो कॉलेज छोड़कर चली गई। शी हैड अ लैविश वेडिंग, उसकी कमाल की ठाठदार शादी हुई, लैविश मतलब एकदम लग्जरियस जो होती है, बेहतरीन शादी हुई। स्टेफिनियंस हु अटेंडेड इट सेड आफ्टर वर्ड्स, जो भी उस कॉलेज से, जो सेंट स्टेफन से जो लोग अटेंड किए थे शादी को, उन्होंने उस शादी के बाद मुझसे बताया कि किस तरीके से लैविश वेडिंग थी वो। आई एम श्योर रोहन स्पेंड द कॉलेजेस एंटायर एनुअल बजट ऑन द वेडिंग रिसेप्शन। मैं बिल्कुल, मुझे यकीन है कि जो रोहन है उसने कॉलेज का जितना भी एनुअल बजट रहा होगा सब उसने
वेडिंग रिसेप्शन पे ही खर्च कर दिया होगा। आई ओवर हर्ड, मैंने सुना दैट रिया हैड गॉन टू बोरा बोरा फॉर हर हनीमून। ओवर हर्ड मतलब कहीं से मुझे ये बात सुनाई दी कि रिया अपने हनीमून के लिए बोरा बोरा एक जगह है वहाँ पर गई थी। द नेम ऑफ द प्लेस साउंडेड, ये ऐसा ये नाम था इस जगह का बोरा बोरा, ऐसा लग रहा था लाइक इट वॉज इन बिहार, कि ये बोरा बोरा बिहार में ही कुछ हो, बिहार का ही जगह। हाउ एवर आई गूगल्ड इट, मैंने गूगल किया एंड डिस्कवर्ड, और मुझे पता चला इट वॉज अ सेट ऑफ ब्यूटिफुल आईलैंड्स इन द पैसिफिक ओशियन। पैसिफिक ओशियन में एक बहुत सारे आइलैंड्स का समूह है जिसको हम बोरा बोरा कहते हैं। सम रीचेबल ओनली बाई प्राइवेट प्लेन, कुछ ही लोग यहाँ पर जा पाते हैं, वो भी प्राइवेट प्लेन से जा पाते हैं बोरा बोरा। विच रूल्ड आउट मी गोइंग देयर एंड मर्डरिंग द ग्रूम, तो इसने तो मुझे बिल्कुल रूल आउट का मतलब कि मना ही कर दिया, बिल्कुल रूल आउट हो गया कि मैं वहाँ पर नहीं जा सकता हूँ। तो इसने मुझे वहाँ जाने से रूल आउट कर दिया एंड मर्डरिंग द ग्रूम, और मैं उसके पति का खून कर देता, उससे भी मुझे कहीं ना कहीं बचा लिया। अमेजिंग। हाउ एवर द पेन ऑफ द सेकेंड ईयर फेल्ट लाइक अ टिकल कंपेयर टू द थर्ड ईयर, जो सेकेंड ईयर में जो मुझे दर्द महसूस हुआ था जब उसने ब्रेकअप किया था, वो बस एक गुदगुदी के समान था अगर उसकी तुलना में थर्ड ईयर से करूँ। थर्ड ईयर सख्त, थर्ड ईयर ने तो बिल्कुल मुझे परेशान कर दिया एकदम। अब ऐसे देखें तो सख्त का मतलब कि मुझे चूस ही लिया, तो सख्त का मतलब है कि नेगेटिविटी दिखाता है कि एकदम मेरी हालत ख़राब कर दी। आई हैड जीरो अबिलिटी टू गेट ओवर हर, मेरे पास बिल्कुल भी वो अबिलिटी वो काबिलियत नहीं थी कि मैं उस लड़की की दुनिया से बाहर आ पाता, एकदम दर्द में खो गया था मैं। ओके, आई कुडेंट बिलीव अ गर्ल हु हैड लेफ्ट मी अ ईयर अगो हैड सच अ ग्रिप ऑन मी, मुझे यकीन ही नहीं आ पा रहा था। आई कुडेंट बिलीव, मैं यकीन नहीं कर सका, अ गर्ल एक लड़की हु हैड लेफ्ट मी अ ईयर अगो, जो मुझे एक साल पहले छोड़कर चली गई, हैड सच अ ग्रिप ऑन मी, उसका अभी भी वो ग्रिप मेरे ऊपर था, अभी भी उसने मुझे जकड़ रखा था, यकीन करना मुश्किल था। वी हैड नॉट इवन स्लेप्ट टुगेदर, हमने तो कोई फिजिकल रिलेशन भी नहीं बनाया था। हाउ एवर इट मैटर्ड लिटिल, फिर भी ये तो बहुत ही कम मैटर करता है। शी वॉज द ओनली गर्ल आई हैड प्लेड, ये फिजिकल रिलेशन तो बहुत कम मैटर करता है, एकमात्र वो लड़की थी। आई हैड ओनली प्लेड, यू नो द गर्ल आई हैड प्लेड, जिसके साथ मैंने खेला था, मैंने वॉक किया था, मैंने खाना खाया था, मैंने बातें की थी, मैंने पढ़ाई की थी, एंड हैड फन विद, और जिसके साथ मैंने एन्जॉय किया था, मस्ती किया था। आई हैड पीक्ड इन टू साइलेंट रिया मोर देन एनी वन एल्स, पीक्ड इन टू का मतलब होता है कि फटाफट एक झलक पाना, तो मैंने उस साइलेंट रिया का जो एक झलक पाया था मोर देन एनी वन, जितना किसी ने भी उसका उस तरीके से उससे गेट टुगेदर नहीं हुआ होगा, उसके दर्शन नहीं किए होंगे। और सो आई थॉट, मैंने सोचा, हाउ कुड आई फॉरगेट हर, कि मैं कैसे उसे भूल सकता हूँ यार, जिसके साथ इतने सारे सुनहरे पल बिताए। वेल आई कुड नॉट फॉरगेट हर फ्रॉम 2 ईयर्स अगो, 2 साल पहले से अगर देखिए तो आई कुड नॉट फॉरगेट हर, मैं उसे भूल नहीं पाया फ्रॉम 2 ईयर्स अगो, 2 साल पहले से भी। बट आई हैड फॉरगॉटन द इंटरव्यू रूम, लेकिन मैं इंटरव्यू रूम भूल गया। आई हैड एंटर 2 मिनट्स अगो, यानी कि 2 मिनट पहले जो मैं इंटरव्यू रूम में घुसा मैं वो भूल गया। बट आई कुड नॉट फॉरगेट हर फ्रॉम 2 ईयर्स अगो, 2 साल से मैं उसको नहीं भुला पाया, लेकिन 2 मिनट पहले इंटरव्यू रूम में घुसा मैं वो भूल गया। आई सेड, मैंने कहा, वट ब्रिंग्स यू हेयर, आपका कैसे आना हुआ। द इंटरव्यूअर रिपीटेड एंड सिप्ड फ्रॉम हिज बॉटल ऑफ वाटर, यहाँ आई सेड क्यों दे दिया है। वट ब्रिंग्स यू हेयर, कैसे आना हुआ। द इंटरव्यूअर रिपीटेड, इंटरव्यूअर ने बार बार कहा, कैसे आना हुआ जी। एंड सिप्ड फ्रॉम हिज बॉटल ऑफ वाटर, और अपने बॉटल ऑफ वाटर से एक सिप मारा, यानी कि पानी के बोतल से थोड़ा सा पानी पिया। यस सर आई एम हेयर बिकॉज, यस सर मैं यहाँ आया हूँ क्योंकि, ऐसे करके रह गया वो। आई फंबल्ड टू रिमेंबर द कंपनीज नेम, मैं फंबल हो गया कि कंपनी का नाम क्या है, भूल गया। बिकॉज बिकॉज HSBC इज अ डायनेमिक प्लेस टू वर्क इन, क्योंकि सर HSBC तो कमाल, एकदम डायनेमिक कमाल की जगह है जहाँ हम काम कर सकते हैं, एंड आई वॉन्ट टू बी पार्ट ऑफ इट, और मैं इसका हिस्सा बनना चाहता हूँ सर। गिवन माई कट पेस्ट आंसर, गिवन का मतलब होता है ध्यान में रखते हुए, तो मेरे इस कट पेस्ट आंसर को ध्यान में रखते हुए,
आई थॉट ही वुड स्प्लैश हिज वाटर ऑन माई फेस, मुझे लगा कि वो जो पानी पी रहा था उसको एकदम छपाक से मेरे मुंह पे मारेगा। हाउ एवर ही डिडेंट, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। काफ़ी हॉट है एक्चुअली, मैं ना पंखा बंद करके शूट करता हूँ, सो आई एम स्वेटिंग अ लॉट, ताकि वो नॉइज़ वगैरह ज़्यादा ना हो, बट ये कब तक ऐसा चलेगा? स्वेटिंग, फैन अगर ऑन कर दूँ, फैन ऑन कर दूँ तो फिर अजीब सी एक आवाज़ आएगी, मज़ा नहीं आएगा आपको। और लाइट भी सामने, एक लाइट भी आप देख सकते हैं, बहुत ही पावरफुल लाइट है। कैन शो द लाइट, आपको मैं एक लाइट दिखाता हूँ। कैन यू सी दिस लाइट, एक पावरफुल लाइट है जो बिल्कुल सामने ही मेरे रहती है लाइट, ये तो उसकी भी गर्मी होती है। ओके फैन, एक बार ट्राई करते हैं फैन ऑन करके। अक्षत कुड यू प्लीज टर्न ऑन द फैन, इट्स टू हॉट, टू हॉट, टू हॉट। ओके टर्न ऑन द फैन, टर्न ऑन द फैन फास्ट। ओके पंखा चला। ओके से से फास्ट फास्ट। ओके 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 अक्षत दे कांट हियर यू ना, बिकॉज आई हैव दिस हेडफोन, यू गो अवे। सो गाइज, अब पता नहीं आपको आवाज़ कैसी आ रही होगी, अब तो शूट के बाद ही पता चलेगा। कहाँ थे हम? स्प्लैश इज वाटर ऑन माई फेस हाउ एवर। हाँ, माधव झा, राइट। अच्छा, तुम्हारा नाम माधव झा है। सेड अनोदर मेंबर ऑफ द पैनल, पैनल में जो तीन लोग थे उसमें से जो दूसरा व्यक्ति था उसने कहा, अच्छा माधव झा है। रीडिंग माई रिज्यूमे, मेरे रिज्यूम को पढ़ते हुए कहा, अच्छा माधव झा स्टेट लेवल बास्केटबॉल, इस अच्छा स्टेट लेवल बास्केटबॉल खेला है, इम्प्रेसिव, तो बहुत कमाल की बात है। शॉर्ट लिस्टेड फॉर नेशनल टीम ट्रायल्स लास्ट ईयर, अच्छा नेशनल टीम के ट्रायल्स के लिए तुम शॉर्टलिस्ट भी हुए थे। डिड यू मेक इट, क्या तुमने कर दिखाया? नो सर। व्हाई नॉट, क्यों नहीं किया? आई हेजिटेटेड फॉर अ सेकेंड एंड देन फॉर अ सेकेंड देन गेव माई आंसर, थोड़ा तो मैं हेजिटेट हुआ एक सेकेंड के लिए, फिर भी मैंने अपना आंसर दिया कि आई डिडेंट गो फॉर द ट्रायल्स, मैं ट्रायल्स के लिए गया ही नहीं सर। बास्केटबॉल रिमाइंडेड मी ऑफ हर, बास्केटबॉल मुझे उसकी याद दिलाती थी सर। आफ्टर शी लेफ्ट, जब वो वापस मुझे छोड़कर चली गई, तो बास्केटबॉल हमेशा मुझे उसकी याद दिलाती थी। आई नेवर वेंट टू द कोर्ट, मैं कभी ग्राउंड में गया ही नहीं। वाई, क्यों? ऑल थ्री ऑफ देम आस्क्ड टुगेदर, तीनों ने एक साथ पूछा क्यों? आई कुडंट, मैं नहीं जा सका। आई वॉज अंडर स्ट्रेस, मैं स्ट्रेस में था सर। वट काइंड ऑफ स्ट्रेस, किस तरह का स्ट्रेस? सेट द फर्स्ट इंटरव्यूअर, जो पहला इंटरव्यूअर था उसने कहा, किस तरह का स्ट्रेस? पर्सनल। द अदर इंटरव्यूअर्स क्लियर्ड देयर थ्रोट, बाकी जो इंटरव्यूअर्स उसने ऐसा बोला, मतलब तीसरे को समझाया होगा। दे नॉडेड देयर हेड्स एट ईच अदर, एक दूसरे को उसने नॉड ऐसे सर्वर हिलाया। कम्युनिकेटिंग द नीड टू स्किप द क्वेश्चन, सर हिला के ये कम्युनिकेट करने की कोशिश की कि इस क्वेश्चन को हटा दो, स्किप कर दो, इसकी ज़रूरत है स्किप कर दो। वाई डू यू वॉन्ट टू डू बैंकिंग, आप बैंकिंग क्यों करना चाहते हो? द थर्ड पैनलिस्ट सेट, जो तीसरा पैनलिस्ट था उसने कहा, अच्छा बैंकिंग क्यों करना चाहते हो? बिकॉज दैट इज़ वॉट यू वॉन्ट मी टू डू, क्योंकि सर आप तो यही चाहते हैं ना कि मैं बैंकिंग करूँ, इसने जवाब दिया। एक्सक्यूज मी, द पैनलिस्ट ब्लिंक्ड, पैनलिस्ट ने आंखें ऐसे मतलब मिचलाई, जो कहते हैं हिंदी में, ऐसे आंखें ऐसे ब्लिंक किया और कहा कि क्या? वेल आई नीड अ जॉब, मुझे एक जॉब चाहिए सर। योर्स इज वन ऑफ दोज अवेलेबल, और योर्स इज वन ऑफ दोज अवेलेबल, और आपका जो जॉब है, आपका जो जॉब है वन ऑफ दोज, ये तो बैंकिंग से रिलेटेड ही है। एंड यू पे वेल, और आप अच्छा पे करते हो, सो यस आई विल डू वॉट एवर यू वॉन्ट मी टू डू, तो इसलिए मैं वही करूँगा जो आप करना चाहोगे सर, जो आप मुझे कराना चाहोगे। यू डोंट हैव अ प्रेफरेंस, तुम्हारा कोई चॉइस नहीं, प्रेफरेंस नहीं है? नॉट रियली सर, बिल्कुल नहीं सर। आई डोंट नो वॉट मेड मी टॉक लाइक दिस, पता नहीं मैंने ऐसा क्यों बोला इंटरव्यू वालों से। परहैप्स इट वॉज द फैक्ट दैट आई हैड गिवन 8 इंटरव्यूज ओवर द पास्ट 2 वीक्स, ये भी सच्चाई थी कि पिछले 2 हफ्तों में मैंने 8 इंटरव्यू को फेस किया था। एंड आई हैड लाइड इन एवरी वन ऑफ देम, और हर इंटरव्यू में मैंने झूठ ही बोला था। आई हैड फाइनली हैड एनफ, बहुत हो गया था। आई फाइनली हैड एनफ, बहुत हो गया था। आई डिडेंट वॉन्ट टू बी इन दिल्ली एनी मोर, मैं दिल्ली में रहना नहीं चाहता था। आई मिस्ड माई मदर, मैं अपनी माँ को मिस कर रहा था या मिस करता था। आई वॉन्टेड टू कॉल हर राइट नाउ, मैं अभी के अभी उसे कॉल करना चाहता था। माधव डू यू वॉन्ट दिस जॉब, माधव क्या तुम्हें नौकरी चाहिए? द फर्स्ट पैनलिस्ट सेट, पहले पैनलिस्ट ने कहा। व्हाट्स योर नेम सर, आपका नाम क्या है सर? आई आस्क्ड इंस्टेड, तो मैंने उनके जवाब
मतलब उन्होंने बोला क्या तुम्हें जॉब चाहिए, तो मैं जॉब का जवाब देने के बजाय इंस्टीड लगा है देने के बजाय मैंने कहा कि सर आपका नाम क्या है, शुक्ला, आई एम प्रमोद शुक्ला, मेरा नाम प्रमोद शुक्ला है, रीजनल मैनेजर फॉर नॉर्थ इंडिया, मैं नॉर्थ इंडिया से हूँ, रीजनल मैनेजर हूँ। मिस्टर शुक्ला आर यू हैप्पी, क्या आप खुश हैं? एक्सक्यूज़ मी, उन्होंने कहा क्या, यू डोंट लुक हैप्पी, आप खुश नहीं दिखते हो, नन ऑफ यू लुक हैप्पी, आप में से कोई खुश नहीं दिखता है, नो बडी वॉन्ट्स दिस जॉब, किसी को भी ये नौकरी नहीं चाहिए, एवरी वन वॉन्ट्स द मनी यू ऑफर, जैसे कि आप जो पैसा दे रहे हो ना, लोगों को पैसा चाहिए, किसी को ये जॉब नहीं चाहिए जो आप जॉब दे रहे हो, सिर्फ पैसा चाहिए। यू सी द डिफरेंस, आपको डिफरेंस पता चला? द पैनलिस्ट लुक्ड एट ईच अदर, पैनलिस्ट ने एक दूसरे को देखा। इफ आई हैड अ कैमरा, अगर मेरे पास कैमरा होता, द पिक्चर ऑफ देयर प्राइसलेस एक्सप्रेशन कुड हैव वन माई फोटोग्राफी, तो उनका जो एक्सप्रेशन था ना मेरे इस सवाल पर बिल्कुल प्राइसलेस था, उसकी कोई वैल्यू नहीं, अनमोल एक्सप्रेशन था, तो वो कुड हैव वन माई एनी फोटोग्राफी, वो किसी भी फोटोग्राफी कंपटीशन को जीत सकता था, अगर कैमरा होता उस वक्त, अगर मैं उनके चेहरों को रिकॉर्ड करता, कैप्चर करता, तो इतने अच्छे एक्सप्रेशन थे उनके जो अनमोल थे। आई लाइक यू, तुम मुझे पसंद हो, द फर्स्ट ऑनेस्ट कैंडिडेट वी हैव हैड, पहला मुझे ऑनेस्ट कैंडिडेट मिला है, मतलब हम लोगों को जो मिला है वो पहला ऐसा कैंडिडेट मिला है जो कि ऑनेस्ट है। आई विल हायर यू, मैं तुम्हें हायर करूंगा, प्रमोद सेठ, प्रमोद ने कहा। द अदर टू लुक्ड शॉक्ड, बाकी जो दो थे थोड़े शॉक्ड दिखे, हाउएवर दे वर टू जूनियर टू काउंटर द बॉसेज विम, लेकिन वो इतने जूनियर थे, टू का इस्तेमाल होता है ना, रिमूव टू पड़ा होगा, दे वर टू जूनियर, इतने वो जूनियर थे टू काउंटर, ताकि वो बात काट नहीं सकते थे द बॉसेज विम, विम का मतलब होता है कि आपकी जो मर्जी है, तो बॉस की मर्जी को काट नहीं सकते थे। बट आई डोंट वॉन्ट इट, लेकिन मुझे जॉब नहीं चाहिए, आई सेड एंड स्टूड अप, मैंने कहा और मैं खड़ा हो गया कि सर मुझे जॉब नहीं चाहिए। वाई, क्यों? प्रमोद सेठ, प्रमोद ने कहा क्यों नहीं चाहिए, प्राइवेट बैंकिंग इन दिल्ली, प्राइवेट बैंकिंग इन दिल्ली, टॉप क्लाइंट, 6 लाख अ ईयर, उसने कहा कि दिल्ली में प्राइवेट बैंकिंग करनी है, टॉप लेवल क्लाइंट्स मिलेंगे, साल का तुम 6 लाख कमाओगे। नो सर, आई एम डन सर्विंग रिच पीपल, बहुत हो गया सर, आई एम डन, मैं अब मेरा हो गया सर, बड़े बड़े अमीर लोगों को सर्व करते करते मेरा हो गया सर। आई सेड एंड लेफ्ट द रूम, मैंने बात कही और कमरा छोड़कर चला गया। एज आई वॉक्ड बैक टू माई रेजिडेंस, जब मैं अपने रेजिडेंस अपने घर वापस गया, आफ्टर द इंटरव्यू, इंटरव्यू के बाद, फॉर द फर्स्ट टाइम इन अ ईयर, साल में पहली बार, आई फेल्ट रिस्पेक्ट फॉर माई सेल्फ, तो पूरे साल में फर्स्ट टाइम मैंने अपने लिए इज्जत महसूस किया कि वाह, आज मैंने खुद ही किसी जॉब को मना कर दिया। आई डिसाइडेड नॉट टू बी अ डोरमैट एनी वन, मैंने निश्चय किया कि अब मैं वो एकदम डोरमैट नहीं बनूंगा कि कोई भी आया पैर पोछ कर चला गया, मैं ऐसा अब नहीं बनूंगा। आई डिसाइडेड टू स्टॉप मॉपिंग ओवर अ रिच गर्ल, मॉप ओवर, यहाँ मॉप MOPE वाला मॉप है, तो ING लगा तो ई हट गया, मॉप ओवर का मतलब है कि मतलब कुछ ऐसा होना कि आप एकदम दुखी हो और उस दुखी चीज़ को दिखा रहे हो, मॉप ओवर कर रहे हो, परेशान हो, डिप्रेस्ड हो। आई डिसाइडेड टू स्टॉप मॉपिंग ओवर अ रिच गर्ल, मैं अमीर लड़की जो है मेरी वो, उसके ऊपर अब मैं डिप्रेस होना छोड़ दूंगा, मैंने डिसाइड किया। हु हैड लेफ्ट मी, जिसने मुझे छोड़कर चला गया, उसके लिए मैं बिल्कुल डिप्रेस नहीं होऊंगा। आई हैड हैड एनफ ऑफ स्टीफन्स, बहुत हो गया, आई हैड हैड एनफ, मैंने कुछ ज़्यादा ही स्टीफन्स को अपना लिया है, एंड ट्राइंग टू बी अपर क्लास, देखिए आई हैड हैड एनफ ऑफ स्टीफन्स, कुछ ज़्यादा ही मैंने स्टीफन्स की तरह मैं बन गया था, एंड ट्राइंग, और मैं ट्राई कर रहा था टू बी अपर क्लास, अपर क्लास बनने की। यू बिलोंग टू डुमराव इन बिहार, तुम डुमराव के, बिहार के डुमराव के रहने वाले हो बेटा, दैट इज़ हु यू आर, यही हो तुम माधव झा, यही हो तुम। आई टोल्ड माई सेल्फ, मैंने खुद से कहा कि बेटा माधव, बहुत हो गया अपर क्लास और एकदम स्टीफन्स वाली पर्सनैलिटी जी रहा है, बेटा तू बिहार का रहने वाला, ऊपर डुमराव गाँव का है, ठीक है ना, यही है तू, एंड दैट इज़ ऑल यू विल एवर बी एंड नीड टू बी, और यही तू हमेशा बनेगा और यही बनने की ज़रूरत है। आई कॉल्ड माई मदर, मैंने अपनी माँ को तुरंत फ़ोन लगाया। हाउ आर द इंटरव्यूज गोइंग ऑन, उन्होंने पूछा, शी सेड कि इंटरव्यू कैसे चल रहे थे तुम्हारे। वन कंपनी ऑफर्ड मी ए जॉब, एक कंपनी ने मुझे जॉब ऑफर किया माँ। हु, को, किसने किया? HSBC। व्हाट डू दे डू, क्या करते हैं ये लोग? बैंक है माँ, दे हैव अ ब्रांच इन पटना। क्या उनका पटना में ब्रांच है? आई लाफ्ड, मैं हंस पड़ा। नो, इट इज़ एन इंटरनेशनल बैंक, ये एक अंतर्राष्ट्रीय बैंक है माँ, द जॉब इज़ इन दिल्ली, जॉब तो दिल्ली में है। आई सेड, मैंने कहा। ओह, माई मदर सेड, मेरी माँ ने कहा, एंड हर वॉइस ड्रॉप्ड, उनकी आवाज़ कहीं ना कहीं वो ड्रॉप हो गई, वो छूटने लगी, आवाज़ गिरने लगी।
ओके लाइक दिस यू विल हैव टू बी देयर देन. अब तो तुम्हें वहीं रहना पड़ेगा फिर है. आई सेड नो नहीं माँ. व्हाट शी सेड सरप्राइज. वो सरप्राइज हो गई क्या नहीं रहना पड़ेगा. आई डिडन्ट वॉन्ट द जॉब. माँ मुझे जॉब नहीं चाहिए था. माई हार्ट इज़ नॉट हेयर एनी मोर. मेरा दिल जो है इधर दिल्ली में नहीं है माँ. वेयर इज योर हार्ट. कहाँ है तुम्हारा दिल. माई मदर चकल. मेरी माँ दबी हंसी हंसी. चकल मतलब मुँह दबाकर हंसना. लंडन सेड अ वॉइस इन माई हेड. मेरे मेरे दिमाग में एक आवाज़ कह रहा था कि मम्मी मेरा दिमाग तो लंदन में है. लेकिन नहीं कहा. डुमराव मम्मी डुमराव में. आई एम कमिंग बैक होम. मैं घर वापस आ रहा हूँ मम्मी. आई कुड सेंस द वाइड स्माइल सॉरी स्माइल ऑन हर फेस. मैं महसूस कर सकता था कि उनके चेहरे पर एक बहुत बड़ी मुस्कान आ गई थी थ्रू द फोन. फोन के माध्यम से थ्रू द फोन. आई कुड सेंस द वाइड स्माइल स्माइल ऑन हर फेस थ्रू द फोन. फोन के फोन से मैं महसूस कर सकता था कि चेहरे पर मुस्कान आ चुकी थी. यू विल कम बैक टू डुमराव. तुम डुमराव वापस आओगे आफ्टर फिनिशिंग स्टेफन्स कॉलेज. कॉलेज खत्म करने के बाद शी सेड. उन्होंने कहा. हर वॉइस ब्राइट. उनकी आवाज़ में बहुत एक जादू सा आ गया था कि वाह आएगा मेरा बेटा. यस इट इज़ माई होम आफ्टर ऑल. हाँ बिल्कुल ये मेरा घर है. आऊँगा ही आफ्टर ऑल. आखिरकार ऑफकोर्स एवरी वन कीप्स आस्किंग अबाउट यू. हाँ हाँ सारे लोग तुम्हारे बारे में ही पूछते रहते. कीप्स आप ऑन भी लगा सकते हैं. कीप्स ऑन आस्किंग. बट ठीक है ऐसे भी चलता है. वेयर इज़ आवर प्रिंस द राजकुमार. लोग पूछते हैं कि हमारा राजकुमार कहाँ है. हमारा प्रिंस कहाँ है. प्लीज माँ आई होप ऑल दैट नॉनसेंस वॉन्ट स्टार्ट देयर. माँ मुझे लगता है कि फिर से वो सब नॉनसेंस वो बेहूदापना स्टार्ट नहीं होगा वहाँ पर. व्हाट डू यू मीन नॉनसेंस. ये क्या माँ बेहूदापना तुम कह रहे हो. यू आर द प्रिंस ऑफ डुमराव. भैया तुम बेटा तुम डुमराव के राजकुमार हो. पीपल वॉन्ट टू डू योर राज्यभिषेक सेरेमनी. लोग चाहते हैं कि तुम्हारा वो राज्यभिषेक तिलक हो. माँ आई डोंट लाइक सच ट्रेडिशन. माँ मुझे इस तरह का जो ट्रेडिशन चलता आ रहा है मुझे पसंद नहीं है. जो परंपरा है. रॉयल्टी इज डेड इन इंडिया. इंडिया में रॉयल्टी खत्म हो गई है. अब कोई रॉयल है नहीं. ये जस्ट अ वे दे एक्सप्रेस लव. ये तो बस एक तरीका है कि वो अपना प्यार दिखाते हैं. वी नो हम जानते हैं एंड दे नो वो ही जानते हैं कि वी डोंट हैव अ पावर. कि हमारे पास अब कोई पावर नहीं है. बट वी हेल्प कीप द कम्युनिटी टुगेदर. लेकिन हम मदद करते हैं कि कम्युनिटी एक साथ रहे. यू शुडेंट श्रग इट ऑफ. तुम्हें इस तरीके से एकमात्र झटके में सब कुछ खत्म नहीं कर देना चाहिए. इससे तुम भाग नहीं सकते. एनी वे आई अराइव इन 3 वीक्स. मैं 3 हफ्ते में पहुंचता हूँ माँ. आई नीड टू फाइंड समथिंग टू डू देयर. मुझे वहाँ कुछ करने के लिए चाहिए. मतलब कुछ तो करना पड़ेगा ना. यू कैन हेल्प विद द स्कूल. तुम स्कूल को हेल्प करो. यू आर रनिंग इट वेल. लेकिन आप तो अच्छा चला रही हो. फॉर हाउ लॉन्ग. कब से. प्लस देर आर सो मेनी इशूज. और बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी है बेटा. आई कॉन्ट सॉल्व एट दिस एज. मैं इस उम्र में इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर सकती हूँ. शुड आई फोकस ऑन द टीचिंग और रिपेयर द रूफ. अब मैं टीचिंग पर फोकस करूँ कि मैं छत वत रिपेयर करने में फोकस करूँ भाई. फ्रॉम टीचर्स ऑन वन साइड टू लेबरर्स ऑन द अदर साइड. मतलब एक तरफ मैं टीचर्स को देखूँ दूसरी तरफ मैं मजदूरों को देखूँ. एवरी ईट्स माई हेड. एवरी वन ईट्स माई हेड. सारे लोग मेरा सर खाते हैं मतलब परेशान करते हैं. आई लाफ. मैं हंस पड़ा. आई विल टेक केयर ऑफ द रूफ एंड द अपकीप इशूज़. मैं छत का और उसके मरम्मत का. अपकीप का मतलब मरम्मत का जो इशू चल रहा है उसका मैं ख्याल रखूंगा. यू रन द स्कूल. आप स्कूल को रन करो. रियली. यस माँ. हाँ माँ करो ना. हाउ मच वुड इट हैव पेड यू द जॉब यू लेफ्ट. अच्छा जो नौकरी तुमने छोड़ी बेटा उसने कितना तुमको पे किया होता. अगर तुम नौकरी करते तो कितना पे मिलता तुम्हें. लेट इट भी रहने दो ना माँ. हाउ डज इट मैटर नाउ. अब क्या फ़र्क पड़ता है. टेल मी. बताओ. 50,000 माँ. 50,000 अ ईयर. साल का बेटा. अ मंथ माँ. एक महीने में 50,000 मिल रहा था माँ. माई मदर गैस्प सो लाउडली माई ईयर ड्रम हर्ट. मेरी माँ इतनी जोर से वो मतलब गैस्प करने लगी. एक लंबी आहें भरी कि मेरे ईयर ड्रम में दर्द हो गया. जो कान में दर्द हो गया. कान में. यू रियली रिफ्यूज दैट जॉब टू कम एंड हेल्प इन अ विलेज स्कूल. तुमने वाकई ही गाँव में आकर और लोगों को मतलब विलेज स्कूल में मदद करने के लिए तुमने उस नौकरी को रिफ्यूज़ कर दिया. यस माँ. हाँ कर दिया. माँ आई टोल्ड यू. आपको बताया ना. आई एम बुकिंग अ टिकट ऑन मगध एक्सप्रेस. मैं मगध एक्सप्रेस का टिकट बुक कर रहा हूँ माँ. सी यू इन 3 वीक्स. 3 हफ्ते मिलते हैं माँ. ओके. आई नो वट मेड यू डू दिस. मुझे पता है कि किस चीज़ ऐसी कौन सी बात है जिसकी वजह से तुमने ये कदम उठाया नौकरी छोड़ने का. माई हार्ट स्टॉप्ड. मेरा दिल रुक गया. वाट. क्या माँ. यू योर रॉयल ब्लड. तुम्हारा जो राजकीय खून है इसने. यू आर डिफरेंट. तुम अलग हो. यू डिजर्व टू बी अ प्रिंस. तुम बिल्कुल डिजर्व करते हो एक राजा बनने के लिए. राजकुमार बनने के लिए. प्रिंस हैज़ टू गो. प्रिंस को जाना है. डजेंट हैव बैलेंस इन हिज प्रीपेड फोन. मम्मा
अब प्रिंस को निकलना पड़ेगा मम्मा, प्रिंस जो राजकुमार तुम कह रही हो उसके प्रीपेड फ़ोन में बैलेंस नहीं बचा है। माई मदर लाफ्ड एज आई हंग अप, जैसे मैंने फ़ोन काटा मेरी मम्मी हंस पड़ी। मोस्ट इंडियन मदर्स वुड स्लैप अ चाइल्ड, बहुत सारी जो भारतीय जो माँ है अपने बच्चों को चाटा मारेगी इफ़ ही लेफ्ट अ हाई पेइंग जॉब लाइक दैट, अगर उसने अच्छा पे करने वाले जॉब को अगर छोड़ दिया तो चाटा मारेगी। माई मदर वुडंट, लेकिन मेरी माँ ऐसा नहीं करी, नहीं की, मतलब वुडंट का मतलब रिफ्यूज़ कर दिया, ऐसा नहीं की। शी न्यू लाइफ इन्वॉल्व, कई बार वुडंट ऐसे होते हैं जिस, मेरी गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई, माई कार वुडंट स्टार्ट, आप आगे पढ़ लेना कभी वुडंट का इस्तेमाल होता है। शी न्यू, उन्हें पता था लाइफ इन्वॉल्व थिंग्स ग्रेटर देन मनी, कि जो लाइफ है ना उसमें पैसों से भी ज़्यादा चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। शी हैड सीन द लैविश, उन्होंने देख रखा था लैविश लाइफ, उठाटदार जिंदगी को उन्होंने जी रखा था। शी हैड ऑल्सो सीन हर वेडिंग ज्वेल्स पॉन टू लोन शार्क्स, उन्होंने ये भी देखा था कि उनके जो वेडिंग में जो ज्वेलरी मिली थी उसको बंधक बना दिया गया, लोन शार्क्स, जो लोन का कारोबार करते हैं उनको लोन शार्क्स कहा गया है, उन जो हमेशा पचा जाते हैं सब कुछ, उनको बंधक बना करके रखा गया है। अब डुमराव, डुमराव का सॉरी शार्क्स, नन ऑफ दिस मैटर, कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता। व्हाट मैटर टू माई मदर, मेरी माँ को जो फ़र्क पड़ता है, द रानी साहिबा ऑफ डुमराव वॉज रिस्पेक्ट, कि वो रानी साहिबा कहलाती रही डुमराव की, वही एक रिस्पेक्ट था। बियॉन्ड अ पॉइंट, एक पॉइंट को अगर अब छोड़ दे, पीपल वॉन्ट मनी टू बाई रिस्पेक्ट, लोग चाहते हैं कि उनको पैसा मिले, पीपल वॉन्ट मनी, पैसा मिले टू बाई रिस्पेक्ट, कि वो रिस्पेक्ट को खरीद पाए। शी वुड टेल मी वेन आई वॉज अ किड, वो कहा करती थी जब मैं बच्चा था। रिस्पेक्ट हाउ एवर कांट बी बॉट, लेकिन जो रिस्पेक्ट है वो किसी भी तरीके से खरीदा नहीं जा सकता है, यू हैव टू अर्न इट, आपको तो जो सम्मान है जो इज्जत हो कमानी पड़ती है। लिव विद डिग्निटी, आप अपने गरिमा के साथ रहिए ना, डिग्निटी के साथ रहिए। लिव फॉर अदर्स, दूसरों के लिए जीना सीखिए, दैट इज़ हाउ वन अर्न्स रिस्पेक्ट, इसी तरीके से कोई भी रिस्पेक्ट को कमाता है। शी यूज टू से शी वॉज राइट, शी यूज टू से, वो कहा करती थी कि बिल्कुल सही है, डुमराव पीपल लव्ड, डुमराव के पीपल उसे प्यार करते थे, नॉट बिकॉज शी वॉज द रानी साहिबा, इसलिए नहीं कि रानी साहिबा थी, बट बिकॉज शी वॉज द रानी साहिबा हु केयर, वो ऐसी रानी साहिबा थी जो वाकई केयर करती थी, लोगों के बारे में सोचती थी। फॉर द पास्ट 15 ईयर्स, पिछले 15 साल में शी हैड गिवन हर ऑल टू डुमराव, उसने डुमराव स्कूल इन नंदन विलेज, उसने नंदन विलेज में जो डुमराव स्कूल है उसमें अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया 15 साल में। ऑन द आउटस्कर्ट्स, आउटस्कर्ट्स ऑफ डुमराव, डुमराव के थोड़ा बाहर बाहरी इलाके में आता है रॉयल स्कूल, आई फेल्ट होमसिक, मुझे बिल्कुल ऐसा महसूस हो रहा था कि बस अब घर जाना है, तब घर जाना, मैं होमसिक महसूस कर रहा था। द डस्टी लेन्स ऑफ डुमराव फेल्ट मोर एंटाइसिंग, डुमराव के जो डस्टी लेन्स थे, जो गलियाँ थी, धूल भरी जो गलियाँ थी, फेल्ट मोर एंटाइसिंग, और भी आकर्षित लग रही थी देन द कलोनियल लॉन्स ऑफ सेंट स्टीफन्स। तो सेंट स्टीफन्स के अंदर जो कलोनी बने हुए हैं, वो जो पार्क वगैरह है, वो बहुत ही ख़राब लगते थे। आई कुडेंट वेट टू बी होम, मैं घर, मतलब मैं बिल्कुल कुडेंट वेट टू बी होम, मैं चाहती थी कि जितनी जल्दी मैं घर पहुँच जाऊँ, जैसे आई कांट वेट टू मीट हर, मैं उससे बिल्कुल तुरंत मिलना चाहता हूँ, तो वो कांट का कुडेंट हो गया, आई कुडेंट वेट टू बी होम, मैं तुरंत घर पर होना चाहता था। अच्छा ख़त्म। सो गाइज ये फिनिश हो गया आपका, उसके बाद आपका ये चलेगा एक्ट 2, बिहार में सारा केस कैसे कैसे हुआ, अब ये बहुत लंबा चलेगा, यानी कि 50 नंबर चलेगा आपका बिहार के अंदर अंदर का सीन, इससे पहले का ये हो चुका है। तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग एंड हैव फन, थैंक यू गाइज, थैंक यू।